नमस्कार, मेरा नाम मयंक ठाकुर है और फिर से एक बार स्वागत है तेरी मेरी बातें विथ मयंक ठाकुर पिक्स एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है सोचना यानी थिंकिंग। हम अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा एक ही काम करते हैं, क्या? तो वो है सोचना। या तो नेगेटिव सोचते हैं या तो पॉजिटिव सोचते हैं, और मेरे ख्याल से आजकल के लाइफ में तो लोग नेगेटिव ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि सोचने की बात अगर देखी जाए तो हम ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके बारे में सोचते नहीं हैं। कोई काम हो तो उसके बारे में सोचते हैं कि क्या हमें वो काम करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, जीवन में क्या, कब, क्यों। ये तीन जो ऐसे चीज़ है ये हमें पूरा उलझा कर रखते हैं। तो अगर देखा जाए तो सोच सिर्फ पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव सब सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, मगर होनी तो चाहिए पॉजिटिव ही सोच। अगर आप किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचते हो तो वो नेगेटिव होने लगता है। जैसे कि कोट मैंने पढ़ा था और मेरे ऑफिस में भी पीछे लिखा हुआ है कि एवरीथिंग यू कैन इमेजिन इज रियल। तो अगर आपको इमेजिनेशन ही अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है तो क्यों ही अच्छा इमेजिन करें, अच्छा सोचें। आपकी थिंकिंग आपकी पर्सनालिटी को निखारता है, आपकी थिंकिंग आपकी पर्सनालिटी को दर्शाता है। अगर आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचोगे ना तो चेहरे पे वो चीज़ आ ही जाएगी, नेगेटिवनेस, सिर्फ नेगेटिव। और आपके हर काम में नेगेटिव ही होगा, कुछ भी करने की कोशिश करोगे वो भी नेगेटिव होगा। कुछ कहीं जाओगे तो आप सोचोगे कि नहीं मैं जा रहा हूँ कि कहीं मेरे साथ कोई हादसा हो जाए, आपके साथ हादसा हो जाएगा। ऐसा होता है, ऐसा अगर आप लाइफ में देखोगे तो होगा। और पॉजिटिव लेके चलो ना, क्योंकि हर एक चीज़ में पॉजिटिवनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी सोच पे सब कुछ निर्भर करता है, हमारी सोच पे हमारा फिजिकल हेल्थ, हमारा मेंटल हेल्थ सब कुछ निर्भर करता है। सोच ही जो है वो हमें आगे बढ़ाता है। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचो, ठीक है, चाहे कितना भी बुरा सोच लो, आगे वाले को अगर आगे बढ़ना है तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते, उसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप उसके बारे में सोच रहे हो कि यार वो ऐसा है, वो वैसा है, नेगेटिव सोच रहे हो, आप वो उसके बारे में सोच रहे हो। वो अपना बंदा काम करता हुआ चला गया, उसका सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, टाइम किसका जा रहा है, आपका, कहाँ, सोचने में, क्या, नेगेटिव सोचने। तो आप नेगेटिव सोच रहे हो उसके बारे में, वो तो चला गया, आप क्यों नहीं उसके बारे में आप सोचना ही है। वैसे तो वो तो अपनी लाइफ जी रहा है, पॉजिटिव सोचो, वाह बंदे ने अच्छा किया। पॉजिटिव सोचने में ना एक सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जब आप पॉजिटिव किसी की चीज़ के बारे में सोचते हैं, किसी एक लोग, एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में कुछ पॉजिटिव सोचते हो तो वो आपको इंस्पायर करते हैं। इंस्पायर होना जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी चीज़ से इंस्पायर हो सकते हो, ठीक है। कोई अगर अपने ठेले को ढकेल रहा हो, मेहनत कर रहा हो, तो आप उससे इंस्पायर हो सकते हो मेहनत करने के लिए, ठीक है। कोई पहाड़ पे चढ़ रहा हो, जो बूढ़ा हो, जो बुजुर्ग हो, वो पहाड़ पे चढ़ रहा हो, तो आप उससे इंस्पायर हो सकते हो, उससे आप हिम्मत पा सकते हो। तो आप वो पॉजिटिव सोचो, आप निगेटिव, अरे यार ये इतनी उम्र में है, ये ऊपर जाएगा और ये तो ख़त्म, आप कुछ कर नहीं रहे हो। देखा जाता है आजकल की लाइफ में कि आप जहाँ पे हो आप वहीं से सोच रहे हो, ठीक है। खासकर नेगेटिव मतलब मैं पाथ जर्नी की बात कर रहा हूँ, लाइफ जर्नी की। आप अभी सोच रहे हो कि अरे वो तो चढ़ नहीं पा रहा यार, वो चढ़ेगा कैसे। भाई वो तो चढ़ रहा है, आप ये सोच रहे हो कि वो चढ़ नहीं पाएगा, वो तो चढ़ रहा है। उसने अपनी आधी जो भी जर्नी है, आधा जो भी ट्रैक कर रहा है, आधी ट्रैकिंग उसने पूरी कर ली। तुम क्या कर रहे हो, तुम तो ये सोच रहे हो वो चढ़ नहीं पाएगा। भाई अरे तुम तो वहीं बैठे हो भाई, उसने तो वो काम कर लिया। इससे आपका समय खत्म होता है। तो अपनी सोच को मजबूत बनाइए, अपनी सोच को पॉजिटिव देखिए, हर चीज में पॉजिटिव, हर चीज में। अगर आपका कोई काम चल रहा है और वो काम खराब हो गया, बाई चांस किसी भी तरीके से, हर कुछ परफेक्ट नहीं होता जिंदगी में, अप डाउन होते ही। तो अगर आप एकदम खत्म चल रहा है, आपका काम एकदम जीरो पे चल रहा है, तो वहाँ पे आपको ना नेगेटिव सोच मार देगा। नेगेटिव सोच, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मैं क्या करूँ, मैं अरे यार मैं कब करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्यों करूँ ये चीज़।
ये चीज आपको खत्म कर रहा है, एक चीज आपको पूरा मेंटली जोर दे रहा है, एकदम वहीं पे बोल रहा है कि रुक जाओ, आगे बढ़ो ही मत, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव सोचोगे कि ठीक है कोई बात नहीं, जीरो होना तो जीरो के बाद वन आता है, उसके बाद टू आता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 करोड़ों आ जाता है उसके बाद, तो क्यों ना मैं शुरुआत करूँ, मैं कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पॉजिटिवनेस ही काम में आता है, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। आप वहाँ पे थिंकिंग अपनी पॉजिटिव रखोगे तो आप उसको आगे ले जाओगे। आपने इंजन में चाबी डाल दी, ठीक है, ट्रेन की इंजन की बात नहीं कर रहा, आपकी गाड़ी है मान लो, आप गाड़ी पे चाबी आपने स्टार्ट कर दिया, अब आपको आता है तभी स्टार्ट किया ऐसे तो नहीं। अब यार चलो आपने ट्रेनिंग ली हो, आप तो ट्रेनिंग ले लिया, बड़ा अच्छा सा ट्रेनिंग चला गया, ड्राइविंग ट्रेनिंग, अब आप गाड़ी चलाने वाले, अब आप सोचोगे मैं आगे जाऊँगा इधर जाऊँगा, कहीं ठोक ना दो, कहीं ठोक ना दो, कहीं ठोक, ये डर आपके साथ पूरे जर्नी में लगा रहेगा। तो आप यही सोचोगे मैं ठोक ना दो, मैं ठोक ना दो, मैं ठोक ना, और आप जाके कहीं ना कहीं किसी न किसी गाड़ी पर लड़ जाओगे, तो आपकी ये नेगेटिव थिंकिंग जो है वो आपका एक्सीडेंट करवा देगी। अब वहाँ पे कि हाँ मुझे तो, मैंने तो ट्रेनिंग ली है, मुझे तो आता है गाड़ी चलाना, मैंने उसके पीछे मंथ्स लगाए हैं, बहुत महीने हो गए मैंने ट्रेनिंग की, मैं अच्छा गाड़ी चला लूँ। आप स्लो स्लो धीरे धीरे गाड़ी चलाओ, आप जहाँ भी जा रहे हो आपकी वो जर्नी अच्छी हो जाएगी। ये सिर्फ पॉजिटिव सोच पे निर्भर करता है, नेगेटिव सोच पे। तो सोचना जो चीज़ होता है ना, सोच के आप कुछ भी कर सकते हो, ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। आप सोचोगे कि मैं उस पहाड़ पे चढ़ जाऊँ तो आप उस पहाड़ पे चढ़ जाओ, आप सोचोगे मैं अरे यार बहुत ऊंचा पहाड़ है मैं तो चढ़ ही नहीं सकता तो आप एकदम नहीं चढ़ पाओगे। सोच का दूसरा जो है चीज कोशिश, कोशिश करनी पड़ती है। सिर्फ सोचना है कि बैठ के मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, चलो पॉजिटिव सोच की बात कर रहा हूँ, तो मैं सोच मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा, तो उसके लिए करना ही पड़ता है, सिर्फ सोचना ही पड़ता है। सिर्फ सोचना ही सबसे खास चीज़ नहीं है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बट वो सबसे खास चीज नहीं है कि मैं सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ, ज्यादा सोचना भी बुरी है। जब आप सोचते हो ना, ये सोच ही अपने अंदर में नेगेटिविटी पॉजिटिविटी के सर्कल में आपको फंसा देती है। आप पॉजिटिव थिंकर हो, ठीक है, आप एकदम पॉजिटिव थिंकर हो, आप सोच रहे हो, मगर इतना ही सोचोगे कि वो पॉजिटिव थिंकिंग आपकी नेगेटिविटी में चली जाती है। तो आपको ध्यान देना है सोचने को, ध्यान देना है कर्तव्य करने, और ध्यान देना है आगे बढ़ने। उसके लिए आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, आपकी सोच ही आपको आगे बढ़ाएगी और आपकी सोच ही आपको रोक के रखेगी। अगर आपको काम में मन नहीं लग रहा है तो आप फ्रेश हो जाओ, इधर उधर हो जाओ, और फ्रेशनेस के लिए आप सोचो कि हाँ ठीक है अभी मुझसे ये काम नहीं हुआ, आगे मैं करूँगा, आगे इस तरीके से करूँगा तो हो जाएगा, और हो तो जाएगा ही। ये सोचो ना, ये नहीं कि सोचता था कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए, देखते देखते, ये सब नहीं सोचना। आपको सोचना है कि काम मेरा अच्छा कैसे हो, प्रोडक्टिविटी में कैसे बढ़ाऊँ, मैं आगे कैसे बढ़ूँ। आगे आपका लक्ष्य की तरफ आपका रास्ता जो होगा उसके लिए आप सोचो, लक्ष्य वहाँ है और आप यहाँ सोच रहे हो कि मैं वहाँ जा पाऊँगा कि नहीं। अरे भाई उसके लिए बढ़ो, आगे तो बढ़ो, आगे तो बढ़ो, आपका मुकाम आपके पास आ जाएगा खुद ब खुद। जितना आगे बढ़ोगे ना तो लगेगा डिस्टेंस ऐसा नज़दीक होते जा रहा है, और आपकी सोच, पॉजिटिव सोच आपको वहाँ पे उसका साथ देगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो एक नए टॉपिक के साथ लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।